ये देखना, मैं 250 ग्राम आटा है और इसमें हल्का सा नमक घेर के और पराठों के लिए मल ली हूँ। आप देखना कैसे बन मला जाएगा ये, और थोड़ा थोड़ा पानी घेर के मलना है एक बार में नहीं। और आप थोड़ा सा इसमें चिकनाई लगाऊंगी अंदर, जो वो नहीं होता है, सूखा सूखा नहीं होता है। और समोसे वाला स्टाइल बना देता हूँ पराठे का, बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं समोसे वाले पराठे। देखना बहुत टेस्टी लगेगा और फूला फूला। ये आटा लेकर इसमें लोई बनाई है मैंने, मीडियम साइज वो रखना है आपको, मीडियम गैस रखनी है। ये थोड़ा सा तेल लिया हुआ, दूसरा तैयार है, और इसमें फिर घी लगाऊंगी, आप ये चौकोर बनाऊंगी। थोड़ा सा दो बार लगाना है, आप किसी भी घी से बना सकते हैं, मैं देसी घी से बना रही हूँ। करारा बनता है, अच्छा ही बनता है, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। आप देखना ये समोसे वाला बनाया मैंने, और ये चकोर बनाऊंगी, बच्चों के टिफिन में रखें आप। ये चकोर है, ये भी बहुत अच्छा बनेगा, मुझे बना मुझे अच्छा लगा रही है। इससे छोटे छोटे पराठे नहीं रहते हैं, बहुत मुलायम रहते हैं। आप दोपहर तक देखना, दोपहर तक रखना, 4-5 घंटे बिल्कुल ऐसे रहेंगे तरे तरे अंदर तक, इतना ही है इसके अंदर। तो देखना ये दूसरा पराठा बन गया है, आप बच्चों के टिफिन में 4-5 घंटे के लिए आप इसे रख देना। देखना कितना सॉफ्ट है और कितना मुलायम है, आप कभी भी बच्चे खा सकते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं।